सुप्रभात दर्शकों, स्वागत है आपका आज के राशिफल में। कैसा रहने वाला है आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे और आज किन बातों से आपको रहना चाहिए सावधान, आइए जान लेते हैं 18 जून 2023 यानी आज रविवार का राशिफल। जॉइंट महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी फॉर एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन प्रोग्राम्स लाइक फार्मेसी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, लॉ एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। फॉर एडमिशन कॉल 8800697058। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, ग्रहों की चाल के कारण आज आपके पास खूब पैसा होगा, इसलिए आपके पास आज धन कमाने के भी योग हैं। मेष राशि के जातकों, आज आपको उन चीजों के बारे में बहस करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो लोगों के साथ सहमत नहीं रहती हैं। मेष राशि के जातकों, आज आप अपने पार्टनर के साथ बेहद प्यार महसूस करेंगे और आज का समय आपका जल्द ही बीत जाएगा। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, आज आपको अपने दोस्तों से मुलाकात करनी चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आज आप किसी को धन उधार में ना दें, यदि आप किसी को धन उधार में देते भी हैं तो उसे लिख जरूर लें। वृषभ राशि के जातकों, आज आपका जीवन खुशहाल रहेगा। वृषभ राशि के जातकों, आज आप किसी को तोहफा भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने घर की सफाई भी आज करें, लेकिन आज आपके पास समय भरपूर होगा, इसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, जब घर में चीजें मुश्किल होती हैं तो आपको ये चिंतित और परेशान करता है, लेकिन आज आप इन चिंताओं को दूर करने में सफल होंगे। मिथुन राशि के जातकों, आज आप खुद पर विश्वास करेंगे जिससे आज आप पैसा भी कमा सकते हैं। यदि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और उनकी मदद करते हैं तो लोग आज आपको नोटिस करेंगे। आज का दिन प्यार के लिए काफी अच्छा है, आपके अतीत का कोई व्यक्ति आज आपसे संपर्क भी कर सकता है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आज आपको लोग पसंद करेंगे। यदि आप बड़े हैं और काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ लेकर जा रहे पैसों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए, वरना कोई इसे लेने की कोशिश कर सकता है। आपका परिवार आज आपसे बहुत कुछ चाहता है, इसलिए उन्हें समझने की कोशिश करें, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। कर्क राशि के जातकों, अगर आज आपसे कोई सलाह मांगता है तो आज आप उन्हें एक उपयुक्त सलाह भी दे सकते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, ध्यान और योग आपके शरीर और मन के लिए आज अच्छा रहेगा। आज आपको ध्यान और योग जरूर करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों, आपको अपने खर्च पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही पैसा आपके काम आने वाला है। सिंह राशि के जातकों, आज आप अपने अनुभवों से कई कार्यों को कर पाने में सफल होंगे। यदि आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपके साथ नहीं है तो आज आपको थोड़ा दुख हो सकता है, लेकिन आपको स्थिति को समझने की आवश्यकता है। सिंह राशि के जातकों, आज आपके पास खूब खाली समय होगा, इसका सदुपयोग आप पुस्तकालय जाकर किताबें पढ़कर कर सकते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, अपने मन में बेहतर महसूस करने के लिए यह पता करें कि आपको क्या तनाव दे रहा है। अपने पैसों और योजनाओं के बारे में आपको सभी को नहीं बताना चाहिए। जिन लोगों को आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं उनसे निजी बातें आज आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। कन्या राशि के वृद्धजन आज अपने पुराने मित्रों से मुलाकात कर सकते हैं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आज का दिन आपका खुशनुमा बना रहेगा, क्योंकि आप दूसरों के प्रति दयालु हैं। तुला राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। तुला राशि के जातकों, आज आपको पैसा ऐसे जगह पर लगाना चाहिए जिससे आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सके। तुला राशि के जातकों, आपके मित्र आपके लिए आज कुछ मजेदार योजनाएं भी बना सकते हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। तुला राशि के जातकों, आज आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारियों को लेकर भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी व्यक्तिगत जानकारियां दूसरों से शेयर करते हैं तो इसको लेकर आप आगे समय में परेशान हो सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, यदि कोई मित्र आपकी विशेष प्रशंसा करता है तो इससे आपको आज प्रसन्नता होगी। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आप दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको धन को लेकर सावधान रहना चाहिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अपने परिवार की देखभाल करना और उनके लिए वहां रहना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी नए व्यक्ति से आज मुलाकात कर सकते हैं और प्यार का आनंद भी महसूस कर सकते हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों, इस समय आप जो खो रहे हैं उसके बारे में सावधान रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। केवल दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक धन खर्च आपको आज नहीं करना चाहिए। आपका पार्टनर और सहयोगी आज आपकी मदद करेगा। धनु राशि के जातकों, सोशल मीडिया पर वैवाहिक जीवन को लेकर जो मजाक किया जाता है उस पर आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आप ऐसी चीजों को लेकर परेशान भी थोड़ा हो सकते हैं। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का आज आपको प्रयास करना चाहिए। सावधान रहें, क्योंकि आप दोबारा आज बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आज आपका काफी पैसा खर्च भी हो सकता है, इसलिए आज आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। परिवार के बड़े सदस्य आज आपका ध्यान
ध्यान रखेंगे, आपका प्रेमी या प्रेमिका वास्तव में आज आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है। मकर राशि के जातकों, आज शाम आप किसी मित्र के घर जा सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, बाहरी खेलकूद करने से आज आप प्रसन्न और आपका मन शांत रहेगा। ध्यान और योग करने से आज आप अच्छा महसूस करेंगे। लोगों को उधार दिया हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है और किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आज आपके पास पैसा कमाने का अच्छा मौका भी है। कुंभ राशि के जातकों, यदि आप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं तो आज आपके परिवार में कुछ परेशानियां भी आ सकती है। कुंभ राशि के जातकों, अगर बात करें आज प्यार के लिए, तो प्यार के लिए आज आपका दिन काफी अच्छा है। आज आप अपने जीवन साथी के साथ किसी रोमांटिक डिनर पर भी जा सकते हैं। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों, आज आप खुद को काफी उत्साहित महसूस करेंगे। आज आप परिवार के किसी सदस्य की व्यापार में मदद कर सकते हैं और कुछ आज आपको धन अर्जन भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बहुत अच्छा महसूस ना करे। आपके पास वास्तव में उज्जवल आंखें हैं जो लोगों को खुश कर सकती हैं। आज आप पैसे, प्यार या परिवार के बारे में बिना सोचे खुश रहने की कला सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस दिशा में आज कोशिश करेंगे तो सफल जरूर होंगे। कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। बस आपको खुद पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो दर्शकों, ये था 18 जून 2023 का राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।